तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन प्लेस 0.2। मैं श्याम कुमार एक और नए वीडियो के साथ आपके बीच आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप के 5 ऐसे सीक्रेट सेटिंग जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाले गाइज, और इसके बाद आप भी अपने व्हाट्सएप के डेली यूजेस में इसको यूज करने वाले हो। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बोल सकता हूँ कि आज के पहले आपको कोई भी इन सीक्रेट सेटिंग के बारे में नहीं बताया होगा। तो गाइज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो गाइज आते हैं अपने फर्स्ट सेटिंग के ऊपर। गाइज हमारा फर्स्ट सेटिंग है स्टार। जी हाँ, स्टार। जब भी किसी ग्रुप में या आपके पास कोई पार्टिकुलर पर्सन जब भी कोई मैसेज भेजता है और वो आपको बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही मस्त लगता है, तो आप उसको चाहते हो कि हम इस मैसेज को हमेशा सेव करके रखें, तो इसके लिए आप इस स्टार वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और इस ऑप्शन से आप इसको चूज करके एक अलग से रख सकते हैं कि जब भी आप इसको सर्च करें तो वो हमेशा आसानी से मिल जाए। तो चलिए गाइज आपको बता देते हैं कि इस स्टार के ऑप्शन को आप यूज कैसे करोगे। तो गाइज जिस भी वीडियोज या फोटोज को आप सेव करके रखना चाहते हो हमेशा के लिए, तो सबसे पहले आपको उस फोटोज या वीडियोज पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आ जाना। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे स्टार का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार करके यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। और जब भी इस वीडियो या फोटोज का आपको देखने का मन करे तो आप सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे स्टार मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको जितना भी आप सारे स्टार मैसेजेस है आपके वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप आसानी से इसको देख पाएंगे। गाइज इस सेटिंग के मदद से आपके बहुत ही कीमती समय बच पाएंगे। तो गाइज ये भी एक बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, ये आप अपने डेली यूजेस में यूज कर पाओगे इसको। तो गाइज आते हैं अपने दूसरे सेटिंग पे। हमारा दूसरा सेटिंग है पिनअप। जी है गाइज पिनअप। ये सेटिंग बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है गाइज। मान लीजिए आप अपने गर्लफ्रेंड से लेट नाइट तक बात करते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, और आप चाहते हैं कि उसका नंबर हमेशा टॉप पे रहे, बट आपके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसके कारण उसका नंबर डाउन होते चला जाता है और नीचे आ जाता है। तो गाइज इसके लिए आप पिनअप के सेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। जिस भी व्यक्ति को आप पिनअप करोगे वो हमेशा टॉप पे बना रहेगा, वो सेकेंड नहीं आएगा चाहे जितना भी मैसेजेस क्यों ना आ जाए आपके व्हाट्सएप के अंदर। तो चलिए आपको बता देते हैं इसको यूज कैसे करोगे। जिस भी व्यक्ति या पर्सन को आपको पिनअप करना, उसके नंबर को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना। प्रेस करने के बाद गाइज यहाँ पे ब्लू टिक हो जाएगा। ब्लू टिक होने के बाद गाइज यहाँ पे पिनअप का ऊपर में पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद वहां पे पिन कर देना गाइज। उसके बाद वो हमेशा टॉप पे बना रहेगा, पर्सन कभी डाउन नहीं आएगा उसका नंबर। तो गाइज ये एक बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, इसको आप हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज कर पाओगे। तो चलिए गाइज आते हैं अपने तीसरे सेटिंग के ऊपर। हमारा तीसरा सेटिंग है गाइज शॉर्टकट। मान लीजिए आपको आपके गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया और आपको व्हाट्सअप खोल के उसको मैसेज करने में टाइम लगता है, तो आप इसके लिए शॉर्टकट सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद उसका नंबर हमेशा के लिए आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आप जब भी चाहो आराम से आसानी से उसको मैसेज कर पाओगे। तो चलिए गाइज बताते हैं आप शॉर्टकट सेटिंग का इस्तेमाल कैसे करोगे। गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिस भी व्यक्ति या पर्सन को आपको शॉर्टकट सेटिंग में इस्तेमाल करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको उसके नंबर को प्रेस करके रखना 2 सेकंड के लिए। प्रेस करने के बाद आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आना। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। वहां से आप आसानी से शॉर्टकट कर सकते हो उसके नंबर को। उसके बाद उसका नंबर आपके होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप जब भी चाहो आराम से आसानी से बिना व्हाट्सएप को ओपन किए उसके नंबर पे आसानी से मैसेज कर पाओगे गाइज। तो गाइज ये भी एक बहुत ही अमेजिंग सेटिंग था। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले ताकि वो भी इन सीक्रेट सेटिंग के बारे में जान पाए। तो चलिए गाइज आ जाते हैं अपने सेटिंग नंबर 4 पे। तो गाइज हमारा सेटिंग नंबर 4 है डिस्पेडिंग मैसेजेस। गाइज ये भी सेटिंग बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है। अगर आप किसी व्यक्ति से पर्सन से बात कर रहे हो और आपको शक है कि वो आगे चल के आपके बात को लीक कर सकता है, किसी के साथ आपके किए गए बातों को शेयर कर सकता है, किसी के साथ आपके किए गए बातों के स्क्रीनशॉट को दिखा सकता है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसके साथ ये सेटिंग कर सकते हो, जिसके बाद आप जो भी उससे बात करोगे वो लिमिटेड टाइम में उसके व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। तो गाइज जान लेते हैं इस सेटिंग को आप इनेबल कैसे करोगे उस पार्टिकुलर पर्सन के लिए। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको जिस भी व्यक्ति के लिए सेटिंग को इनेबल करना चाहते हो उसके चैट को ओपन कर लीजिए। चैट को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे आ जाइए। थ्री डॉट पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिस्पेडिंग मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे कुछ टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से टाइमिंग को सेट कर लीजिए किस टाइम के बाद आप अपने मैसेज को डिलीट करवाना चाहते हैं। उसके बाद जब भी वो टाइम पूरा होगा तो उसके मोबाइल से खुद ब खुद वो मैसेज डिलीट हो जाएगा गाइज। तो ये भी एक अमेजिंग सेटिंग है गाइज। तो ये गाइज चलते अपने सेटिंग नंबर 5 पे। गाइज हमारा सेटिंग नंबर 5 है म्यूट।
जब भी हम किसी खास पर्सन के पास होते हैं, एज लाइक हमारे बॉस या कोई पेरेंट्स, तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, या कोई पार्टिकुलर पर्सन हमको बहुत सारे मैसेजेस करने लगता है। तो उस टाइम हम चाहते हैं कि जो भी पार्टिकुलर पर्सन हमको मैसेज भेज रहा है, उसके मैसेज को हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अनेबल कर दे, मतलब ऑफ कर दे उसे, उसके नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी मैसेज करे मेरे व्हाट्सएप में, मेरे फ़ोन में, तो हमको पता ही नहीं चले कि वो मैसेज किया है, जब तक हम उस पार्टिकुलर पर्सन के साथ हैं। तो गाइस इसके लिए भी आप अपने मोबाइल से सेटिंग कर सकते हो, ताकि जब भी वो आपको मैसेज करे तो आपके मोबाइल में मैसेज तो आएगा, बट नोटिफिकेशन शो नहीं होगा कि उसने एक मैसेज किया है आपको। कोई भी नोटिफिकेशन आपको रिंग होते हुए नहीं सुनाई देगा। तो गाइस जान लेते हैं इसको इनेबल कैसे करेंगे। तो गाइस इसके लिए जिस भी पार्टिकुलर पर्सन के नोटिफिकेशन को आप ऑफ करना चाहते हैं, उसके प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल में आने के बाद आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आना। थ्री डॉट वाले ऑप्शन में आने के बाद वहाँ पे आपको म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करिए। वहाँ पे जिस भी टाइमिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑफ करना है, वहाँ पे जाइए, टाइमिंग सेट कर लीजिए, उसके बाद आप नोटिफिकेशन आराम से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको रिंग होते हुए नहीं सुनाई पड़ेगा। तो गाइस आप लोग यहाँ तक बने थे तो मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सेटिंग और बताने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो का एक्स्ट्रा सेटिंग है, मतलब नंबर 6। उस सेटिंग का नाम है गाइस कस्टम नोटिफिकेशन। इस सेटिंग के अंदर गाइज किसी भी आप एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए कोई अलग से व्हाट्सएप के रिंगटोन को यूज कर सकते हो, जिसके बाद जब भी कोई पार्टिकुलर पर्सन आपको मैसेज करेगा तो कोई अलग ही रिंग बजेगा, जिससे आपको केवल उसके रिंग से ही आपको पता चल जाए कि वो पार्टिकुलर पर्सन कौन है। तो गाइज ये भी एक बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, आइए जान लेते हैं इसको इनेबल कैसे करेंगे। तो गाइज इसको इनेबल करने के लिए जिस भी व्यक्ति के साथ आप इस कस्टम सेटिंग को करना चाहते हो, उसके प्रोफाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइज वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के बाद में जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ फेस आपको आज इस प्रकार का पेज खुलेगा गाइज। उसके बाद आप वहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन में आने के बाद आप अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन से रिंगटोन होना चाहिए। उसके बाद आप जब भी वो पार्टिकुलर पर्सन आपको मैसेज करेगा तो आपको उसके रिंगटोन से ही पता चल जाए कि वो पर्सन कौन है जो मेरे को मैसेज किया है मेरे व्हाट्सएप के अंदर। तो गाइज ये भी एक बहुत ही अमेजिंग सेटिंग था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।